हाय एवरीवन, मैं लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्मी स्पीकिंग में। आज हम चिकन फ्राई बनाएंगे, जो कि ग्रेवी नहीं बनाएंगे और बहुत टेस्टी भी बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली चिकन तो टेस्टी ही बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा शेयर करना। मेरे चैनल पे कोई नया है सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना जरूर। हाँ, मत भूलिए कमेंट लिखना जरूर कैसा लगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन फ्राई। चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म होने के लिए देंगे। मैं यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का तेल ले रही हूँ मैं, और उसमें से खड़े मसाला में मैं दालचीनी 4-5 टुकड़ों ले रही हूँ, और लौंग ले रही हूँ 4-5, और जो कि काला मिर्ची ले रही हूँ 4-5। उसको हम फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। ऑयल भी गर्म हो गया है तो उसको फ्राई हो जाने देते हैं। उसके साथ मैं तेज पत्ता भी डाल रही हूँ और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑयल से ये फ्राई होने तक हम ऑनियन का देख लेते हैं। ऑनियन में ऐसे ले रही हूँ बड़ा वाला ऑनियन को, एक ऐसे पतला पतला सा और लंबा के साइज में मैं कट कर लिया हूँ, और पूरे को मैं खोल दिया हूँ, जैसे कि एक एक सिंगल सिंगल पीस करके रख दिया हूँ। तो उसको भी हम प्याज को भी तेल में डाल रहे हैं, उसको भी फ्राई करने देंगे। तो अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए हम फ्राई कर लेंगे, और प्याज को अच्छे से सिकने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, जो कि प्याज अच्छे से सिक जाए। तो उसको फिर से मिला लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम चिकन को डालेंगे। तो मैं चिकन आधा घंटा पहले यहाँ पे हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक, सरसों का तेल मिला के मैं यहाँ पे मैरिनेट करके रखी थी, तो इसको भी डाल रही हूँ मैं। और एक या 2 सेकेंड के लिए पहले मिला लेंगे चिकन को अच्छे से प्याज के साथ। ये मैं यहाँ इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मसाला डालेंगे। देखिए मैं मिला चुकी हूँ अच्छे से, और अभी मसाला डालेंगे जो कि मैं पेस्ट करके रखी हूँ मसाला को। तो इस मसाला में मैं 3-4 ग्रीन चिली, 1 इंच का अदरक, 2 टमाटो और 8 से 10 कलियाँ लहसुन लेके मैं पेस्ट कर चुकी हूँ। तो इस मसाला को मैं अभी डाल रही हूँ। तो डायरेक्टली हम मसाला को डाल के फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली बना रही हूँ चिकन, और ये चिकन भी बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे चिकन बना के खाइए। अभी हल्दी पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच, क्योंकि मैं पहले हल्दी पाउडर डाल के चिकन को मैरिनेट करने के टाइम हल्दी पाउडर डाली थी। तीखा अपने हिसाब से आप डालिए। मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो उसके साथ मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। ये भुना हुआ जीरा नहीं, ये कच्चा जीरा को मैं पाउडर करके रखी थी, उसी जीरा पाउडर। तो आधा चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको मिला लेंगे। उससे पहले हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हम प्याज फ्राई करने के टाइम भी नमक डाले थे, और चिकन मैरिनेट के टाइम भी नमक डाले थे। तो स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे ये सब चीज को। थोड़ा सा मसाला पानी डाल रही हूँ। तो अभी पूरे अच्छे से मसाला के साथ चिकन को भी मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिलाना है, क्योंकि नहीं तो वह एक साइड में चिकन रह जाएगा, एक साइड में मसाला रह जाएगा। इसलिए हम अच्छे से पूरे चिकन को मसाला के साथ मिला लेंगे।
आप चाहे तो कर्ड भी मिला सकते हैं, इसी टाइम यहाँ पे कर्ड मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कर्ड नहीं था इसीलिए मैं कर्ड नहीं मिला रही हूँ। तो अच्छे से चिकन को मसाला के साथ मिला दिया हूँ, अभी हम कवर करके रख देंगे। तो हम यहाँ इसको 4 to 5 मिनट्स में एक बार हम मिलाएंगे, पलट पलट करेंगे। तो इसको अभी हम जो कि 5 मिनट्स हो गया है और अच्छे से फिर से मिला लेते हैं। देखिए, तो आप भी ऐसे चिकन फ्राई कीजिए और खाए के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी। देखिए, ये चिकन 5 मिनट्स के बाद एक बार निकाल के हम कैसे भी चिकन को मिलाएंगे अच्छे से, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। देखिए, ये चिकन इसमें मतलब खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब चिकन कितना टेस्टी होगी ये तो आपको देखने से ही पता चल जा रहा होगा। तो इसमें मैं आलू भी मिलाऊंगी, तो ये चिकन के साथ आलू मुझे बहुत अच्छा लगता है और तो मेरे फैमिली में भी बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं चिकन के साथ आलू मिलाऊंगी। तो जो आलू मैं मिलाऊंगी, एक बार मैं सीटी दे के रखी थी और इसका छिलका मैं नहीं उतारूंगी, ऐसे छिलके के साथ ही मिलाऊंगी। तो चलिए, छिलके के साथ मिलाएंगे और इसको मैं कट भी नहीं करूंगी। तो चलिए इसको मिलाते हैं, क्योंकि चिकन भी थोड़ा सा सिक गया है और आलू भी थोड़ा सा सिका है, तो इसको हम दोनों को अभी फ्राई करेंगे इसके साथ, चिकन के साथ इसको पहले मिला लेंगे हम अभी अच्छे से, और 5 मिनट्स के बाद फिर से हम इसको कवर खोल के मिलाएंगे। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, ये चिकन फ्राई जरूर कीजिए और खा के देखिए कैसा लग रहा है। आई होप बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों लगेगा आपको भी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, चिकन फ्राई हो थोड़ा सा तो हो गया है और मसाला भी पूरा चटपटा जैसा हो गया है, क्योंकि मैं ग्रेवी यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, पूरा चटपटा ही कर रही हूँ। देखिए, आलू अच्छे से सिक गया है, मैं आपके सामने कट करके दिखा रही हूँ। तो हो गया है, अब भी डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, जो कि हम ग्रेट हाथों में लेके क्रश करके देंगे, ऐसे क्रश करके डाल देंगे। देखिए, मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ और कस्तूरी मेथी डालने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी रेडी है चिकन फ्राई, आप इसको रोटी में या राइस में खा सकते हैं और ये चिकन को लेके आप बिरयानी भी बना सकते हैं इजीली। तो देखिए, हम कवर कर देते हैं 2 मिनट्स के लिए, तब फिर सर्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे चिकन हो गया है, मैं सर्व कर दिया हूँ। आप ये चिकन फ्राई कितना अच्छा लग रहा है, कितना देखने में सुंदर लग रहा है, देखिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसा लगा? लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे कोई नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।